हाँ जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे सारे यहाँ का। भाई जी मैं तुहानू पता ही है, आपां 10वीं अते 12वीं क्लास वाले हैं, संबंधित रेगुलर अपडेट लैके आउंदे रहने हैं। तो दोस्तों सब तो पहला एक वड्डी खबर यही है तुहाडी, ते तुहानू पता लग ही गया होना कि जिहड़ा तुहाडा लॉकडाउन आ पंजाब दे विच, जिहड़ा लॉकडाउन आ उह 17 मई तक कर दिता गया वा, ठीक है जी। तो दोस्तों इस तो पहला मैं तुहानू एक होर खबर दस देना कि जिहड़ी सवेरे मैं तुहानू खबर दसी सी ते उह न्यूज़ चैनलां ते भी आ रही सीगी, ते उह ऑफिशियल खबर सी, उह सच दी खबर सीगी, ठीक है जी। पीटीसी न्यूज़ हो गए, अपने जिहड़े न्यूज़ 18 वाले हो गए, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल वाले, इन्होंने भी अपडेट दी सी कि जिहड़ी एक माहिर कमेटी आ, यानी कि जिहड़ी टास्क फोर्स कमेटी आ, ठीक है जी, जो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा ही बनाई गई सी, क्योंकि जिहड़े ये माहिर कमेटी वाले हैगे आ, ये करदे की ने एजुकेशन सैक्टर, ठीक है जी, खेतीबाड़ी सैक्टर हो गए, इंडस्ट्री सैक्टर हो गए, फैक्टरी, इन्हों का सारे का जायजा लैके सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लिखती रूप दे विच दसदे ने, हालात दसदे उसके बारे ते सुझाव दिंदे ने, ठीक है जी। इस तरह दोस्तों जिहड़े आ माहिर कमेटी वाले सीगे तुहाडे, ठीक है जी, इन्होंने सुझाव दिता सीगा कि जिहड़े 10वीं क्लास वालों नूं उन्हां दे प्री बोर्ड के एग्जाम के नाल 11वीं का रिजल्ट, जिहड़ा 10वीं का रिजल्ट तैयार कर दिता जाए, जिहड़े उन्हां दे प्री बोर्ड के एग्जाम होए सीगे, ते 12वीं क्लास वालों के जिहड़े 70% एग्जाम हो चुके ने, ठीक है जी, ते जिहड़े हजे 30% बाकी ने एग्जाम, उन्हां दा प्रबंध किया जाए, यानी कि जिहड़ा सेंटर नूं वधाया जाए, ठीक है जी, वध तों वध सेंटर मतलब इनक्रीज किए जाने सेंटर, तां कि जिहड़े स्टूडेंट्स ने उह मतलब सैपरेट करके बिठाए जा सकन, ते खुले खुले बिठाए जा सकन, ते एग्जाम जल्दी तो जल्दी करवाया जा सके। दोस्तों ये दो सिफारिशां जो कि माहिर कमेटी वालों सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सौंपी गई सी, ठीक है जी। अते दोस्तों अज जिहड़ा अपने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उन्होंने इस गल उत्ते मतलब अज संबोधन किया सीगा सारिआं नूं करफ्यू दे विच, ठीक है जी, करफ्यू दे उन्होंने बस करफ्यू ही बधाया, उन्होंने 17 मई तक सिर्फ करफ्यू ही बधाया, तो हजे 10वीं अते 12वीं वालिआं दे रिगार्डिंग कोई भी तुहाडा यह फैसला नहीं लिया गया, ठीक है जी, ना तुहाडा हजे तक प्री बोर्ड वाला कोई फैसला लिया गया, ना ही तुहाडे 12वीं वालिआं दे जिहड़े कि 30% जिहड़े तुहाडे एग्जाम रहिंदे ने उस नूं किवें कराया जाए, इस रिगार्डिंग भी हजे कोई फैसला नहीं लिया गया, ठीक है जी। काफी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि इस रिगार्डिंग कोई ना कोई अज फैसला जरूर लिया जाएगा, क्योंकि अज जिहड़े अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह सीगे, जिहड़े अपने सीएम, ठीक है जी, वह अज संबोधन कर रहे थे, ठीक है जी, पंजाब नूं, ते दोस्तों इस रिगार्डिंग हजे कोई भी उन्होंने फैसला नहीं लिया। तो दोस्तों हुण जिहड़ा यह फैसला वा यह कदों तक लै सकते हैं, ठीक है जी, अगर यह फैसला नहीं लिया तो फिर दोस्तों जिहड़ा अपना आखिरी फैसला वा वह पीएससीबी वाले ही लैणगे, ठीक है जी। तो दोस्तों हुण 2 तरीक नूं तुहाडी एक मतलब पंजाब गवर्नमेंट वालिआं दी कैबिनेट मंत्री दी उही मतलब बैठक आ, तो उस दे विच ही पता लगेगा, ठीक है जी, जिहड़े अपने आह जिहड़ा मुद्दे रखे हुए सीगे, ठीक है जी, माहिर कमेटी ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं, हो सकदा कि उस 2 तरीक नूं यानी कि 2 मई नूं इस गल उत्ते चर्चा हो सके, ठीक है जी, जिहड़ी कि गल मैं तुहानूं दसी सीगी सवेरे 10वीं जमात वालिआं नूं, उह 10वीं जमात ते 12वीं जमात वालिआं दे, ठीक है जी, अते न्यूज़ ते भी आ रहे सीगिया, ते माहिर कमेटी ने यह 2 सिफारिशां कीतीआं सीगिआं, ठीक है जी। तो दोस्तों हुण देखो, हुण हो सकदा दोस्तों जिहड़ा तुहाडा जिहड़ा इस रिगार्डिंग अगर कोई भी फैसला नहीं लिया गया तो दोस्तों आखिरी फैसला जिहड़े पीएसबी वाले ही लैणगे, ठीक है जी। बाकी दोस्तों अगर पंजाब गवर्नमेंट ने भी अगर कोई फैसला लिया फिर वह फैसला जिहड़ा वा वह पीएसबी वाले नूं देणगे, उस तो बाद तुहानूं दस्सिया जाएगा। तो दोस्तों यह अपडेट सी, तो बाकी दोस्तों वेट करो 2 मई तक, ठीक है जी, 2 मई नूं कैबिनेट की बैठक आ, तो उस दिन कुछ ना कुछ इस रिगार्डिंग भी इनफॉर्मेशन या इस दे भी चर्चा किया जाएगा, ठीक है जी, एजुकेशन सिस्टम से या तुहाडे पेपर के रिगार्डिंग। तो दोस्तों यही अपडेट सी, बाकी वेट करो हजे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बाकी दोस्तों मेरे हिसाब नाल तुहाडे पेपर होणगे, ठीक है जी, 10वीं 12वीं जिहड़ा 10वीं 12वीं वाले तो पक्का पेपर होना ही होना वा, यह तो गरंटी है पक्का, ठीक है जी। बाकी 10वीं क्लास वाले जिहड़े एग्जाम ने वह भी होणगे प्री बोर्ड के हिसाब से, मैनू नहीं लगता, क्योंकि उस दे विच अगर प्री बोर्ड के हिसाब से करन लगे मैनुपुलेटिंग का खतरा वा, ठीक है जी, मैनू नहीं लगता कोई अदर हो सकता किवें भी, पर मैनू हजे इन्ना कुछ नहीं पता, प्री बोर्ड के हिसाब से मैनू बहुत ही घट चांस लग रहा, ठीक है जी। बाकी कोई अदर सोल्यूशन हो सकता या तो फिर तुहाडे एग्जाम ही होणगे, मेन तो यही है कि एग्जाम ही लै लैन, ठीक है जी, सेंटर बढ़ा के, यही हो सकता, 10वीं वालों का भी 12वीं वालों का भी बढ़ा देन, 12वीं का तो बढ़ना ही है, 10वीं वालों का भी एग्जाम जो सेंटर बढ़ा के उन्होंने भी पेपर ले लाए जाए। तो दोस्तों यही अपडेट सी, वेट करो 2 मई तक, ठीक है जी, फिर उस दिन पता लग जूगा, बाकी नहीं तो आखिरी फैसला पीएसबी वाले का आऊगा ही आऊगा। तो मैं गल भी की सी जी उन्होंने, तो उन्होंने भी हजे तक कुछ वधिया तो नहीं दस्या जी, बोर्ड के अफसर ने भी, उन्होंने भी हजे तक कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों चलो वेट करते हैं आप, ठीक है जी, बस मैं तुम्हें आही दसना सीगा, ठीक है दोस्तों। तो पेपर दोस्तों हजे तुहाडे 15 मई तो बाद ही होणगे, 17 मई तो बाद, सॉरी, क्योंकि लॉकडाउन 17 मई तक आता, तो 17 मई तो पहला तुहाडे पेपर होने के कोई भी चांसिस नहीं है, ठीक है जी। मिलते हैं आपां कल, वीडियो वधिया लगी तां लाइक जरूर कर दिओ, चैनल ते नवें हो तां सबसक्राइब कीते बिना ना जाइओ, मिलते हैं आपां कल, ठीक है जी, बाय बाय।